वेलकम स्वामी जी। जिज्ञासा की माता जी हैं। स्वामी जी, मैं रेवाड़ी से आई हूँ, हरियाणा से, और मुझे और मेरी बेटी को दोनों को डायबिटीज थी। अरे तुमको भी थी? मुझे 10 साल की थी, बेटी को अभी 1 महीने पहले पता चला है। एक महीने पहले पता चला, जल्दी ली आई। मैं कहता हूँ जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज पता लगे, क्रिएटिनिन बढ़ने लगे, पेनक्रियाटाइटिस का पता लगे, जैसे ही पता लगे कि फैटी लीवर लीवर सिरोसिस शुरू हुआ, तुरंत आ जाओ, लुटो पिटो मत। कुछ लुट पिट के पूरे बर्बाद होके आते हैं, जल्दी आ गई है। पता चलते ही आ गए थे हम, 10 यूनिट पे आए थे और आज पूरा बंद हो गया है। अब इस बिटिया को, छोटी इस गुड़िया को तो पता ही नहीं है, जिज्ञासा को, अब ये तो संकोच कर रही है, गांव की भाषा में बोले तो शर्म आ रही है इसको। स्वामी जी आए थे तब भी डर लग रहा था और अब जाएं तब भी डर लग रहा है। आए तब ये डर था कि ये पता नहीं खत्म होगी कि नहीं होगी इंसुलिन, और जाए तो ये डर लग रहा है कि कहीं दोबारा शुरू ना हो जाए। ठीक कह रहे हो? हाँ जी स्वामी जी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अनीता यादव। अनीता बेटा, डरने की बात नहीं है, बस यही है कि इसको थोड़ा मेंटेन होने में 2 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल पूरा 9 महीना थोड़ा ध्यान दो। ये शुगर बहुत ही सेंसिटिव बीमारी है, इसलिए कह रहा हूँ 2 महीने से लेके 9 महीना एक बार पूरा ध्यान दे लो। मेरे पास में अब 2-2, 3-3 साल हो गए। पहले मैं इंसुलिन बंद होता है टाइप 1 डायबिटीज वालों का ये बोलता नहीं था, लेकिन जब हो गया उसके बाद बोलना शुरू किया। और अब उन बच्चों को जिनकी शुगर ठीक हो चुकी है, कुछ तो यहाँ मेरे पास ही आ चुके, सेवा में भी है, अब भी उनको, सोच रहे हैं उनको लड्डू खिला के भी देख लिया, चूरमा खिला के देख लिया, जलेबी खिला के देख ली, 1-1 किलो जूस पिला के देख लिया गन्ने का। तब भी नहीं बढ़ रहा, तो अब तो मानना ही पड़ेगा ना कि मधुमेह से मुक्त हो सकते हैं डायबिटीज वाले, नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। ये बात अकेले सन्यासी स्वामी रामदेव ने कही है दुनिया में पहली बार। मैं तो लोगों, एक छोटी सी बात थी, अब देखो ये लगी हुई है जोर से ये गुड़िया। स्वामी जी, ऋषि भैया का भी हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करती हैं वो शुगर वाले बच्चों के साथ। लगे रहते हैं स्वामी जी। हाँ, डांटते भी है, क्लास में लेट आते हैं तो डांटते हैं, बिल्कुल एक टीचर की तरह। ये बच्चे हैं ना, अब इनको पता ही नहीं कि इनको कोई बीमारी है, इनसे कोई पूछे कि इनको ये शुगर क्या होता है तो बोल देंगे हाँ हमको उसमें मीठा बंद करा देते हैं, चॉकलेट बंद करा देते हैं, हमको मीठा खाने को नहीं देते हैं, और क्या होता है कुछ भी नहीं पता इनको। लेकिन माँ बाप जो है ना बहुत दुखी होते हैं। अब इसमें दुखी होने की बात नहीं है, बस ये है कि जो सिखाया उसको कंटिन्यू करो, उसको छोड़ना नहीं है। तो पूरा पेनक्रियाज जितना भी डैमेज हुआ अंदर से, ये जेनेटिकली ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होते टाइप 1 डायबिटीज़, वैसे बता रहा हूँ। 99 क्या, मैंने तो पहली बार सुना किसी की माँ को डायबिटीज़ हर बच्चे को हो गई, नहीं तो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले ज़्यादातर नए बच्चे होते हैं। किससे होती है? टाइफाइड की दवाई खा ली, बुखार की दवा खा ली, एलर्जी की दवा खा ली, उल्टी दस्त की दवा खा ली, ऐसे कोई अंग्रेजी दवाई, और इसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर जरूर हुआ होगा, या तो कोई सर्दी जुकाम की, बुखार की, या टाइफाइड की, कोई क्या दवाई दी थी इसको? एंटीबायोटिक देते थे स्वामी जी। किसके लिए? बुखार, खांसी, जुकाम होता तभी एंटीबायोटिक देते थे। अभी माता पिताओं को ये नहीं पता कि छोटा सा, आप सोच रहे हो कि एंटीबायोटिक तो लेते ही हैं लोग, जब हो जाता है तब, सर्दी जुकाम बुखार होने पर एंटीबायोटिक नहीं देते हम, पैरासीटामोल क्रोसिन भी देने का विरोधी हूँ मैं बच्चों को, अरे गिलोय घनवट्टी दो ना, सुदर्शन घनवट्टी दे दो, इम्यूनिटी लो है बच्चों को, बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है तो गिलोय घनवट्टी एडवांस देना इसको एक रोज, अब आगे भी नहीं देना। आगे अब किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है? 3 चीज़ों की सावधानी रखनी है। 1 तो बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार मत होने देना। तो बोली कैसे बचाएं? तो इसके लिए गिलोय डेली पिलाना, फ्रेश गिलोय पिला दो, या गिलोय घनवट्टी एडवांस, उसमें तो गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, त्रिफला, नीम सब है,